अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाली टिक्कियाँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ मौसम ठीक नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज़ दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बुखार है, वो जान नहीं छोड़ रहा और बहुत मुश्किल से घर के काम होते हैं और काफ़ी दिन हो गए, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही। तो ये सारे मसाले वगैरह मैं तैयार कर लिए हैं, तो ये आलू छील रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू वाली टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं, ये देखिए। ये आलू मैंने छील के रख दिए हैं। ये बारीक बारीक मैंने टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें, प्याज और हरे टमाटर मैंने काट लिए हैं। हरी मिर्चें मैं कूट के डालूंगी और धनिया भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये धनिया, हरी मिर्चें, ये धनिया डाल दिए, धनिया, ये ज़ीरा, तो मैं इसे काटने लगी। ये देखिए, मैंने ये मसाला वगैरह सारा कोट लिया, ब्रीक ब्रीक कर लिया। टिक्की बनानी है ना, और मैं इसमें नमक जो कुछ भी है, हल्दी, हल्दी तो नहीं डाली, नमक, दड़ा मिर्च, पीसी मिर्च, धनिया, ये डालना है, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये मिक्स करने लगी हूँ। चिमटे ले लो, ये बना रहे हैं। और ये गोल गोल बनाई हुई है, ये बेसन वाली है। ये बेसन मिक्स किया हुआ, मैं दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये उम्र, और ये यार हम, वो देखे हम चार आगे 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 आगे, बस उठा लो मुझे। और मौसम बहुत ख़राब है, इधर का धुंध पड़ चुकी है। ये देखिए फल्ला, इतनी धुंध पड़ गई है, चांद पे भी ये देखिए कितनी धुंध पड़ गई है, देखिए बहुत धुंध पड़ गई है। और हमने आगे पर्दा कर दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि सर्दी हो गई है। और दो वो बैठे हुए हैं, ये देखिए कमरे की क्या हालत की हुई है। ये देखिए, मजे
सारे फ्रेंड्स मैं रोटी बना रही हूँ।